बिग बॉस सीजन 18 के इस हफ्ते में हो गए हैं 7 लोग नॉमिनेटेड। कौन कौन है वो, लेट्स टॉक अबाउट इट विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। तो सबसे पहला नाम आता है श्रुतिका अर्जुन का। श्रुतिका अर्जुन से काफी लोगों को इस बात से शिकायत थी कि वो जो हिंदी बोलती हैं वो बस फेक कर रही हैं, उनको हिंदी बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, वो बस ऑडियंस के सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही। इसका एग्जाम्पल दिया गया कि जब वो गुस्से में होती हैं तब उनकी हिंदी एकदम फ्लो में निकलती है, लेकिन जब वो नॉर्मली बात करती है तब वो सेंटेंस बना बना कर करके वो इस तरह से बात करती है जिससे वो टोटली फेक लगता है। क्या आपको भी लगता है, मुझे बताइएगा जरूर। अगले नाम पर पहुंचते हैं, वो है शिल्पा मैम का, जिनको श्रुतिका ने भी नॉमिनेट किया। और उसका रीज़न था कि श्रुतिका को लगता है कि शिल्पा मैम उन्हें बस ऊपर ऊपर से अच्छी दिखाती हैं, अंदर से वो उन्हें पसंद नहीं करती हैं, वो उनकी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो उनसे एम्बैरस है और वो उन्हें बोलने नहीं देती हैं। पर 2 वोटों के साथ में शिल्पा मैम भी इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट है। इसके बाद आता है अविनाश मिश्रा, जिन्हें घर का विलन बोला जा रहा है। 4 वोट मिले हैं अविनाश को भी, और इसका बड़ा ही नॉर्मल रीज़न है कि जो चाहत के साथ जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे चाहत को, वो लोगों को सोने नहीं दे रहे थे। और इसके अलावा भी अविनाश के लिए सब लोगों के पास अनलिमिटेड रीज़न होते हैं कि वो बदतमीज़ हैं, वो बात करना नहीं जानते वगैरह वगैरह वगैरह। बट यस, 4 वोट्स के साथ अविनाश भी इस हफ्ते के नॉमिनेट हैं। बट इनकी वजह से इनकी 2 दोस्त भी हो गई हैं नॉमिनेट। जी हाँ, ईशा, जिनका कुछ खास सबसे पंगा नहीं है, लेकिन सब लोगों को इस बात से शिकायत है कि ईशा बस इस घर में अविनाश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका स्टैंड लेने के लिए, उनके असिस्टेंट बनने के लिए आई है। वो बहुत अच्छी कंटेस्टेंट बन सकती हैं, लेकिन अविनाश की वजह से नहीं बन पा रही है। क्या आपको भी लग रहा है? बिकॉज घर में 4 लोगों को तो ये बात जरूर लग रही है। इसके साथ ही एलिस के लिए भी ये बात लग रही है लोगों को कि वो बस अविनाश की के पीछे छुप गई है, वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पा रही है, बस अविनाश के लिए स्टैंड लेती है, अविनाश को मुद्दे देती है और बस अविनाश के ही आगे पीछे घूमती रहती हैं। और इन्हें भी 4 वोट मिले हैं। अगला नाम आता है अरफीन खान का। तो अरफीन खान जी जो हैं, इन्हें 2 वोट मिले हैं, लेकिन अरफीन खान को वोट करने का रीज़न है कि उन्हें लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जब वो घर में आए थे तो सब लोग उन्हें बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी समझ रहे थे, लेकिन अभी वो कहीं तो गुम हो गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। उनकी वाइफ भी जेल के अंदर है, तो भाई क्या रीज़न है पता नहीं, बट अरफीन बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अगला नाम है शहजादा दामी का, जिनके नॉमिनेट होने पर आई थिंक कोई भी दुखी नहीं होगा, और इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं घर से निकलने के, क्योंकि ना ही वो कहीं दिख रहे हैं और थोड़ा बहुत दिख भी जाते हैं तो उनके जो मुद्दे हैं, जो इनके फिक्शन डायलॉग होते हैं, उनसे कोई भी रिलेट नहीं कर पाता है। तो यार, लेट्स सी अब ऑडियंस इनसे कितना रिलेट कर रही है, हम सबके अलावा भी, और इनको कितने वोट मिलते हैं। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट करेंगे और किसे आप घर से बेघर होते हुए देखना चाहते हैं इस हफ्ते, मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, एंड ऐसे ही बिग बॉस की अपडेट्स के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।